मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज दिनांक 24/10/2018 को श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना भोपाल ने एक प्रेस वार्ता रखी, जिसमें श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामेड़ी एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री जीवन सिंह शेरपुर की ओर से जिला विदिशा में SC ST एक्ट से पीड़ित राजेंद्र सिंह राजपूत द्वारा की गई आत्महत्या के विषय में कहा गया कि पुलिस आरोपी सुंदरलाल अहिरवार पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अध्यक्ष ने बोला कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और आरोपी पर मुकदमा कायम होना चाहिए। मध्य प्रदेश में कर्णी सेना भी इस चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। देखिए खबर SS के कैमरामैन अमित के साथ साउथ सिद्दीकी की, भोपाल से एक रिपोर्ट। मैं सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष। मेरे साथ बैठे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह जी शेरपुर और प्रदेश कार्यकारिणी की टीम। आज भोपाल के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ये था कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह जी को रतलाम कलेक्टर ने एक नोटिस जारी किया है जिला बदर करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, इनके ऊपर कोई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज नहीं है। सरकार ने खुद ने 2 मुकदमे दर्ज कर रखे हैं, एक काला कपड़ा दिखाने का और दूसरा रास्ता रोकने का। सरकार के अंदर दर्जनों विधायक और मंत्री ऐसे बैठे हैं जिन पर संगीन आरोप हैं मर्डर तक के। क्या सरकार उनको भी सबको जिला बदर करवाएगी? हम अविलंब मांग करते हैं चुनाव आयोग से कि सरकार पावरलेस हो गई, आचार संहिता लग गई, उसके बावजूद आज रतलाम SP और कलेक्टर सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, उनको अविलंब वहां से हटाया जाए और इस कार्रवाई को रोका जाए। इसके साथ साथ सरकार घबराई हुई क्यों है मैं बता दूं आपको कि पिछले दिनों हमने 16 तारीख को उज्जैन के अंदर 10 लाख लोग इकट्ठे किए थे। सवर्ण आर्थिक पिछड़ों के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग थी हमारी और SC ST एक्ट के अंदर IPC की धारा को चेंज करने की मांग थी, बगैर जांच के गिरफ्तारी वाली धारा है वो चेंज कर दो। इससे सरकार घबराई हुई है, कर्णी सैनिकों को कुचलने का काम कर रही है, तो ये सरकार की भूल है। मैं आपको बता दूं, आने वाली 28 तारीख को हम इंदौर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, एक सभा भी करेंगे और उसमें खुलासा करेंगे कि हम आगे क्या डिसीजन लेंगे। सरकार का अगर यही रवैया रहा तो हो सकता है हम जितने भी छोटे मोटे संगठन हैं उन सबको एक जगह करके उम्मीदवार उतारने का काम करें मैदान में। अगर हो सकता है हम कांग्रेस के साथ जाएं या फिर सरकार को सद्बुद्धि आ जाए, क्या पता हमेशा से राजपूत समाज और सवर्ण काश तो BJP के साथ पहले भी रही थी, क्या पता आगे भी रह जाए। पर सरकार अगर हमें दबाना और कुचलने का काम करेगी तो सरकार हमें जिला बदर करे या ना करे, पर इस सरकार को प्रदेश बदर हम कर देंगे। तो इसमें आपकी मांग अभी फिलहाल किससे मांग चाह रहे हैं आप? क्या हमारी मांग चुनाव आयोग से है, उस कलेक्टर SP को बदले और जो एक SC ST एक्ट के अंदर 2 दिन पहले हमारे भाई ने आत्महत्या की थी विदिशा में, जहां मुख्यमंत्री का क्षेत्र आता है, वहां उस परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और मुआवजा दिया जाए, और जिसने भी धमकी दी थी जिसके खिलाफ FIR कराई है परिवार ने, उसको अविलंब गिरफ्तार करके अंदर किया जाए। इसके लिए आपने किसी को ज्ञापन सौंपा है क्या? हाँ, हमने चुनाव आयोग को ज्ञापन प्रेरित किया है। अच्छा।